भाई सलार मूवी को आदि पुरुष मूवी कैसे रोक के रखा है, सलार मूवी की प्रमोशन को, सलार मूवी की टीजर को, कितना सारा कुछ यार। इसके बारे में अभी आकाशवाणी की तरफ से एक गहन चर्चा हुई है, एक बात सामने आई है जिसे देख करके मुझे थोड़ा सा ये लगा दोस्त कि नहीं यार, सलार मूवी का हमें देखने को अभी मिल चुका होता अगर आदि पुरुष अपने टाइम पे रिलीज हो चुका होता तो, है ना। अब मतलब 12 जनवरी को अगर आदि पुरुष रिलीज हो चुका होता तो आदि पुरुष का अभी प्रमोशन तगड़ी रूप से चल रहा होता दोस्त, तगड़ी रूप से चल रहा होता, उसका टीजर तक हमें देखने को मिल चुका रहता अभी तक, है ना। क्योंकि देखो हम कल से ही डिस्कशन कर रहे हैं, कई सारे मतलब न्यूज आती है कि सलार मूवी की जो टीजर है मेकर्स ऑलरेडी बना चुके हैं और टीजर मतलब एकदम से तैयार है, बस ये लोग आदि पुरुष का वेट कर रहे हैं कि आदि पुरुष के बाद इसको रिलीज करेंगे, है ना। लेकिन ये लोग सलार मूवी की जो टीजर है ना, इसको ये लोग उगादी के टाइम पे रिलीज करना चाहते थे दोस्त, उगादी के टाइम पे जो कि 22 मार्च को था, है ना। 22 मार्च से ही आदि पुरुष सॉरी सलार मूवी की टीजर हमें देखने को मिल चुका होता अभी तक। लेकिन आदि पुरुष की टीम, ओम राउत, ये सारे लोग प्रशांत नील के साथ साझा किए, उनको रिक्वेस्ट किए कि आदि पुरुष मूवी के बाद ही सलार मूवी का प्रमोशन वगैरह होना चाहिए और मतलब सलार मूवी के बारे में सलार मूवी का टीजर वगैरह आनी चाहिए बोल करके उनका एक रिक्वेस्ट था। और प्रशांत नील को माननी भी पड़ी क्योंकि दोनों फिल्म तो एक ही स्टार की है ना, तो पहले जिसको आना है उसको ही टाइम मिलनी चाहिए, उसको ही पहले रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए। और वैसे भी सलार मूवी का हाइप इतना है कि वो किसी भी मूवी को ढक सकता है अपनी हाइप के तले, तो अच्छी बात है कि आदि पुरुष को चांस मिल रहा है और आदि पुरुष को मिलनी भी चाहिए, वो फिल्म अच्छी होनी चाहिए। हो ना हो आदि पुरुष के ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है, चाहे वो पॉजिटिव सेंस हो नेगेटिव सेंस हो, तो उसको ध्यान जानी चाहिए, तो ये अच्छी डिसीजन है। लेकिन यहाँ पे बस एक कसक रह जाती है कि भाई अभी सलार का डंका कितनी जोरों से बज रहा होता और वो KGF 2 का माहौल अभी होता यार, टीजर वीजर देखने को मिल चुका होता सलार मूवी को लेकर के। कितने दिनों से हम वेट कर रहे हैं कि प्रशांत नील जैसे डायरेक्टर, प्रभास जैसे एक्टर, बाहुबली, KGF, इनका मिलन होने वाला है, तो ये सारा चीज का माजरा, ये सारा चीज का बवाल चीज हमें देखने को अभी तक मिल चुका होता, है ना। खैर कोई बात नहीं है, अब तो बस 2 महीने बाकी रह गए, उसके बाद तो आदि पुरुष मूवी के साथ और सलार के प्रमोशन के साथ कहर तो मचने ही वाली है। वेट करते हैं, इंतजार का फल तो मीठा ही होता है लेकिन यहाँ पे तूफानी होने वाला है ना। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।